Honor Mari. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप लोग अपने हाल बताओ, आप लोग कैसे हो? आज मम्मा ने लेना है नाप और मैं कैमरा मैन मम्मा की वीडियो बनाता रहूँगा। मम्मा जहाँ रख बोलेंगी यहाँ तुम्हारा रखो तो आप लोग देखते हो। हाँ जी, अभी जो है ना मैं कर रही हूँ नाप तोल का काम। इसकी वजह यह है कि जो भी चीज़ बनानी होती है उससे पहले जाविया लेना, नाप लेना इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं भी अभी वही कर रही हूँ। तो मैं भी अभी वही कर रही हूँ। नीचे स्लैबें पड़ी हुई हैं 4x1.5 फुट की, सही है? तो उस हिसाब से मैंने अभी नाप लेके फिर एडजस्ट करना है, नाप लेके किधर स्लैब जो लग रही है वो किस तरीके से आ रही है, मतलब पिलर बनाने की नाप चाहिए होता है ना, तो अभी मैंने पिलरों का नाप लेना है ताकि मैं जब नाप ले लूँ तो सिर्फ मुझे देर धड़ाधड़ फायरिंग करनी, सिर्फ पिलर खड़े करने। तो अभी ना आतिफ पता नहीं क्यों बार बार कैमरा छोड़ के आ रहा है। मैंने उसको बोला आतिफ आप अभी ना इतना लंबा काम तो है, ये सुबह से इसी की वजह से आज लेट हो गया, शाम हो गई, वरना मैंने आज ये काम कर देना था। सुबह से इसको बोल रही हूँ आतिफ उठे वीडियो बनाए, तो पहले तो ये चला गया, अभी पढ़ वढ़ के आया और फारिग हो गया ना खाना वाना खा के, बोला फिर आतिफ वीडियो बनाए। मम्मा अभी तो दिल नहीं चाह रहा, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, आप थक गए। नहीं बात सुनो, अच्छे बहाने कर रहे हैं। नहीं बात सुनो, बंदा सुबह सुबह स्कूल से आवे, स्कूल के बाद सीधा ट्यूशन जावे, ट्यूशन के बाद मदरसा जावे, मदरसे के बाद सीधा घर आवे, घर आके वीडियो बनावे, बंदे का अपना कोई काम नहीं होता। बोलिए अम्मा जी अभी मेरा खेलने का टाइम है, आपने मेरा प्ले टाइम खराब कर दिया, मैं नहीं बना रहा वीडियो। मैंने बोला ये क्या बात है, वीडियो तो बनानी ही होती है ना, मेरे पास हेल्पर नहीं है कोई, कशिश अपने कामों में बिजी है, अपने कामों में बिजी, मैं बेचारी अकेली बैठी हूँ। कब से बोल रही हूँ हेल्पर मिले, हेल्पर मिले तो वीडियो बनाऊँ, अभी ये आया सारा का अपना अपने सारे काम खत्म करके, तो अब बोले अब मुझे खेलना है, अब मैं वीडियो नहीं बना रहा छोड़ दें। मैं बोला एक तो बनाऊँ कम से कम, नाप तो लूँ ताकि जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, ये लड़का हिलने को देता ही नहीं, हिलने को देता ही नहीं। बस बैठ गया, बैठ गया आराम से। बातें कर रही हूँ थोड़ी देर, थोड़ी देर बातें तो करने दो, बातें को छोड़ो, पहले बच्चे के साथ खेल लो। अच्छा खेलते हैं अभी, उनको नहीं खेल रहे हैं ना, वो वीडियो चली हुई है आपकी, वीडियो चली हुई है ना। नहीं कर, नहीं कर, अच्छा ना, अच्छा नहीं बना रही, बस बहुत ताकत है इसकी, ये ना पता नहीं इसको कराटे के शौक में लगाती नहीं तो बह जाती, लगा रहता है सारा दिन, इसके पापा आते उनके साथ लग जाता है, वो तो इसको अपनी टांगों में दबा लेते हैं, मुझसे छुड़वाया भी नहीं जाता इसके अंदर, बहुत ऐसी केकी माउथ। अब आ गया काबू में, अब आ गया काबू में, अबे टॉफी दे दे, टॉफी दे दे, अब आ गया काबू में। अब क्या करना है बोलो, वीडियो बनाएगा कि नहीं? नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। अच्छा ना, ओ कशिश, ओ देख कशिश आ गई, ओ देख कशिश आ गई, अच्छा नहीं कर रही ना, वीडियो बोल देख, वीडियो देख, वीडियो देख, वीडियो देख, वीडियो देख, लेकिन इसने मेरे को तो बहुत किया, मैंने देखा कैमरा ऑन है तो सलाम कर लूंगी, मेरी बहुत बड़ी गलती लगवाना है वरना शर्मा जाएगी ना, मैं अपना काम करने बैठी थी, ये बीच में कराटे क्या करने बैठी थी, नाप ले रही हूँ, ले नाप, पिला जा रही, जाओ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।
पहला नाप। अरे हाँ, कैंची भी तो मारनी थी ना। कौन सी कैंची? ऐसी वाली कैंची। आदित्य का बच्चा। कौन कैसी कैंची? आप कैमरा उठाओ, थोड़ा सा काम है ना, अंदर नाप लेते हैं फिर चलते, फिर छुट्टी देते हैं। सही, चलो आओ। ऐसा ना हुआ था, ऐसा ही होगा ना, आप लोगों को जिसको पता है। नाप लेने में देर लगती है क्या आदित्य को? कमेंट में बता दीजिएगा आप। वो तो मुझे ही पता नहीं लगती। तो फिर चले चलो, काम ही ना लग रहा है। लंबा काम, अब टाइम ही नहीं बचा। मुझे चाहिए बस, मुझे किसी भी खूबसूरत पे या तो कराटे सेंटर सीख। आखिर आपने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, मेरे पाँव भी गंदे कर दिए, मेरे कपड़े भी गंदे। पापा मेरे को दिखा के भी लाए थे, उस अंकल से मिला के भी लाए, सौदा भी कर लिया, लगवाया है नहीं। असल में ना इसको शौक बहुत ज्यादा है आतिफ को, ये कराटे कुश्ती वगैरह वगैरह इन सब का। लेकिन पता है मैं क्यों नहीं लगवा रही? क्योंकि अभी ये जो है ना कर रहा है पढ़ाई, और साथ साथ अभी ये कुरान पाक भी दोहरा रहा है। तो मैंने बोला बच्चे का जहन जो है ना पढ़ाई से हट के फिर उस तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अभी पढ़ाई पे ना मैं चाह रही हूँ, अभी 2-3 साल जो इसके और है ना, बड़ा होने के बाद फिर ये कर ले, 14-15 साल का हो फिर भले कर ले। सही, इस वजह से मैं इसको नहीं लगवा रही, टाल मटोल कर दी जा रही। वो कायदे आजम का जो मजार नहीं है, उसी के इर्द गिर्द गए, मैंने सही से वो भी नहीं की ना, रास्ता भी नहीं पता लगाया। चलो आओ, नाप लेती हूँ। हाँ तो जी, अभी स्लैब है, अब स्टैंड पे लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ले लूँगी, आप सिर्फ पकड़ के खड़े रहो। पीली पड़ी है ये कोयला, मैंने रखा हुआ है ना यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, हाँ तो जो स्लैब है ना वो है 4x1.5 फुट की। तो उस हिसाब से मैंने बोला अभी यहाँ पे सारे नाप लेके पिलर के पूरे एंगल बना के ना, मतलब पूरी नपाई करके उसको छोड़ दूंगी काम को, फिर वो कल पे हो जाएगा। तो कल मुझे सिर्फ नाप जब मिला हुआ होगा ना, डायरेक्ट काम शुरू करना पड़ेगा। चलो, मेरे को इतना दुख हो रहा है, मेरी उम्र निकलते जा रही है, तो मेरे को लगा नहीं रहा। थोड़ी डार्क कर, ये आ गया मेरे पास। एक पिलर का नाप आ गया, सही है, ओके हो गया सिस्टम। सही, अब यहाँ से लेती हूँ मैं, फटाफट करो ना, हो गया ना आदमी बस, ये आखिरी। चलो ये दूसरा पिलर आ गया। चलिए यहाँ तो जो मैं पिलर बनाऊंगी वो तो सिंपल ही आएगा, उसके निशान की मुझे कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है लेना। 6.5 फीट यहाँ से भी ले लेती हूँ। बता रहे हैं दोबारा कैंची मार आते हो क्या नाम बस। ये मेरे पास आ गए पिलर के नाप आते। मैं ना उधर से एक वो लेके आती हूँ ना, फट्टा वगैरह कोई सीधा, ताकि मैं पूरे नीचे तक नाप ले लूँ और मुझे कल सिर्फ काम करना। सही है, आप फॉलो भी करोगे मेरे साथ? सही
पता चाहिए तो चाहिए तो मैं बाल्टी ना टूट जाए ये डर नहीं 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 टूटी चलो चलो मरियो ने सही है आते हैं देखो सीधी है मैं असल में यहाँ करीब खड़ी हूँ हाँ। सीधा है फट्टा जी जी बिल्कुल सीधा बिल्कुल बिल्कुल सीधा बिल्कुल मार दो निशान मार दो ये खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल से कोयला हर और ले लूँगी मसला नहीं अभी भी सीधा नहीं देखो अब सीधा नहीं अब सीधे से सही है अब हाँ अब सही है वाड़े मजे तो आप मास्टर है यार चीज की मानता हूँ मैं आज आपको थैंक यू चलो ये हो गया मेरा एक किलर का नाम वीडियो भी सही आनी चाहिए ये दो पिलर आ गए सही अब ये तीसरा पिलर यही काम ना मुझे बहुत मौत आ रही थी करने में फिर मैंने बोला अगर मैं बगैर लेवल के करती हूँ तो बिल्कुल अगर जरा सा भी दीवार बनने में टेढ़ी हो जाए तो एक तो उसका होता है ना बिल्डिंग पूरी बनाओ तो जरा सा हिल जाए तो पूरी बिल्डिंग गिरने का खतरा है मैं तो छोटा मोटा काम करी लेकिन फिर उसकी खूबसूरती खराब हो जाती है हल्का सा भी अगर इस काम में टेढ़ा हो जाए दीवार टेढ़ी हो जाए दीवार एक तो मैं कुछ गलत भी बोल देती लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है मैं बोल के आई कैसा कोयला लाए हो आप सही तो है अच्छा वाला कोयला लाया एक तो अच्छा काम किया ऊपर से बस्ती हो रही है वाह क्या बात ओके आतिफ ओके ये अच्छा ये हाथ नहीं पेटे से तो काट का हूँ मैं ये तो तीन पिलर का नाप आ गया एक ये आ गया एक ये आ गया और एक वो आ गया यहाँ भी एक पिलर है लेकिन उसका नाप मैंने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि वो जो आएगा ना वो आएगा दीवार के साथ क्योंकि उसका नाप लेने का कोई फायदा नहीं हाँ नहीं फायदा नहीं मतलब वो आना ही इधर दीवार के साथ चिपक के आना है ना तो लेवल बन तो वो अपनी ही जगह पे होगा कोने में ही होगा उसका क्या नाप लेना था आदित्य देख के तो आओ मैं सही आ रही हूँ आ रही पहले देख मैंने लगाया हुआ है बेटा करके आए जो छोड़ूंगा नहीं गुड चलिए जी अभी हमारा नाप जो हो गया वो हो गया आपको सही है
तो अभी हम लोगों ने करना यह है कि इस रेती के अंदर सीमेंट मिक्स करनी है। सीमेंट मिक्स करने के बाद मसाला बना के फिर हमने जाना है उधर ब्लॉकों की पिलर बनाने के लिए। सही है, लेकिन वो मैं करूँगी अगले ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग हो गया है बहुत ज़्यादा लंबा। तो अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं अभी ब्लॉकें तो मेरे पास उधर पड़ी हुई हैं, उसके मैं पिलर बनाने वाली हूँ। आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा, और अभी इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना आप सबके लिए हेल्पफुल ब्लॉग बनाया करूँ, और उससे किसी ना किसी की मदद होती रहा करे। सही हो गया, ओके हो गया सिस्टम। तो अभी मैं और आतिफ आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में हमारा काम ये है कि हमने बनाने हैं अपने किचन में पिलर, ब्लॉकों के पिलर, जिसके ऊपर किचन से हाँ लगाऊंगी। लाओ मेरा प्यारा सा बेटा है। चलो तो जी, अभी हम लोगों को इजाज़त दें, हम लोग जा रहे हैं। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए देखने वाले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो साथ में लग गए घंटी के बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और निकल, और निकल, और निकल, मैं जा रही हूँ। बाय बाय।